हेलो फ्रेंड। तो हम अब गए हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, न्यू जलपाईगुड़ी टू दार्जिलिंग टॉय ट्रेन। अभी टाइम हो रहा है 8:20 और ट्रेन है 10 o'clock की मॉर्निंग, और मुझे सीट रिजर्व हुई है F1 सीट 1। चलिए इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ स्टेशन यहाँ का। यह है नई न्यू जलपाईगुड़ी, यह है इसकी। न्यू जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग टू हिमालयन रेलवे, ये ऐसे चलेगी। अगर धूप हुई आज तो शाइनिंग चलेगी ऐसे, धूम हो रहे पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्टीम इंजन से चलती है ये, इसलिए इसका किराया भी महंगा है। और ये ट्रैक पे चलेगी, देख सकते हैं आप ये ट्रैक। चलिए मिलता हूँ जब मैं आप बैठूँगा इसमें, तब बताऊँगा आपको। तो दोस्तों हमारे सब्र की सीमा ख़त्म हो गई है, तो आप देख सकते हो यही वो ट्रेन है। इसके साथ आपको ले चलता हूँ। दो कंपार्टमेंट है इसमें, फर्स्ट एसी है, सेकेंड F1 है। सेकेंड वन वाला है F1। ये है इसका बैक के, छोटी ट्रेन है हिल एरिया। चलिए अभी चल के हम आपको बताएंगे कैसे कैसे पहुंचेंगे इसमें। तो सर अभी भरी हुई चलती है ये, अभी भरी हुई चलती है। तो पहले तो इसमें 4 डब्बे थे सर, तो आप क्या, आप इंजन का कैपेसिटी कम हो गया है, पुराना हो गया इंजन ना। अच्छा, इसलिए कम कर दिया। तो इसका सीजन भी होता है सर, कभी सीजनल का कुछ है ऐसा कि नहीं, कभी सीजन में वेटिंग ज़्यादा जा रही हो ऐसा चलता है सीजन में। अच्छा सीजन में ही है ये, मैंने जब अच्छा बर्फ़ पड़ जाती होगी तब। बर्फ़ नहीं, गर्मी में ज़्यादा सीजन रहता है, गर्मी छुट्टी वगैरह का आता है। अच्छा अच्छा, गर्मी छुट्टी ख़त्म हो गई, सीजन धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अच्छा अच्छा, आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये है इसका एसी कंपार्टमेंट, 24 सीटें होंगी कम से कम। सेकेंड वन है इसका फर्स्ट क्लास। दो डब्बे इसमें अराउंड कम से कम में 2-3-4 बच्चे साथ
28 कम से कम मेरे ख्याल से 35 या 40 के करीब सी डेट होगा। अब इसका पावर थोड़ी कम हो चुकी है, इसकी स्पीड मैक्सिमम 15 किलोमीटर पर आवर्स है जैसा कि ड्राइवर ने बताया, और अब ये पुराना हो चुका है इसलिए कम होगी इसकी पावर, इसलिए पहले 4 डब्बे लगते थे अब सिर्फ 2 ही डब्बे लग पाते हैं। ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है,